Hi, I'm Mary Kom. You're watching Expo India. जम्मू और कश्मीर पुलिस ने भारतीय आर्मी ऑफिसर उमर फयाज की हत्या को अंजाम देने वाले तीन संदिग्ध हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों की पहचान कर ली है। शुक्रवार को पुलिस ने तीन आतंकियों की तस्वीरें जारी करते हुए उनकी खबर देने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया है। इन आतंकियों की तस्वीर के साथ ही शोपियां में हर जगह पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या करने वाले ग्रुप में शामिल रहने वाले संदिग्ध आतंकी इशफाक अहमद ठोकर, गयास उल इस्लाम और अब्बास अहमद बट हैं। इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों ने लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या को अंजाम देने वाले छह आतंकियों की पहचान होने का दावा किया था। राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर 23 साल के फयाज की एक रिश्तेदार के घर से अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई थी। फयाज दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के रहने वाले थे और वो कुलगाम में अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। कश्मीरी किसान के बेटे फयाज ने दिसंबर 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्या का मास्टरमाइंड आतंकी अब्बास अहमद बट एक अन्य हत्या के मामले में 5 साल जेल की सजा काट चुका है। सितंबर 2016 में बेल पर बाहर आने के बाद से वो फरार है। अब्बास जब पहली बार गिरफ्तार हुआ था तब वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। उसका गांव लेफ्टिनेंट फयाज के गांव से कुछ ही दूरी पर है। अन्य दो आतंकियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे आतंकी संगठन में ज्यादा पुराने नहीं हैं और वो आतंकी गतिविधियों में पिछले 1.5 साल से ही एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।